नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं कुरमाली के एक नए क्लास में, और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि या रचनाकारों के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे कि कौन से कवि कौन से स्थान में जन्म लिए थे तथा उनका जन्म कब हुआ था तथा वो कौन गांव से थे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेएसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा गया है कि कुरमाली भाषा का जो पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवि के जीवनी के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से टोटल 4 कवियों के जीवनी बताएंगे। एक बड़ू चंदीदास, दूसरा बरजूराम तांती, तीसरा विनंद सिंह तथा चौथा दीनानाथ तांती। इन चारों कवियों के जीवनी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बड़ू चंदीदास के बारे में। तो बड़ू चंदीदास एक गीतकार, संगीतकार और कुरमाली साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो ये इस बात को याद रखिएगा, जो बड़ू चंदीदास हैं वो एक गीतकार थे, एक संगीतकार भी थे, और इनको कुरमाली भाषा के जनक भी ये माने जाते हैं। बड़ू चंदीदास शुरू से ही गीत संगीत के शौकीन थे। ये गीत संगीत के बहुत ही शौकीन व्यक्ति थे। और इनका जन्मस्थान कहाँ है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका जन्मस्थान कहाँ हुआ है। तो ये बांकुड़ा जिला जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो इसको कुछ भी याद रखिए चाहे नहीं, इनका जो जन्म स्थान है उसको ज़रूर आप याद रखिए। कवि बड़ू चंदीदास का जन्म स्थान बांकुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनके द्वारा रचित साहित्य बांग्ला, उड़िया और असमी भाषा में है, लेकिन इन भाषाओं में कुरमाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, बड़ू चंदीदास जो है, इनके रचना बांग्ला, उड़िया तथा असामीज भाषा में है, लेकिन इनका जो बांग्ला और असामीज भाषा है वो बिल्कुल कुरमाली की तरह ही है, इसलिए इनको कुरमाली का कवि माना गया है। अगला पॉइंट है, इन्होंने एक धोबी महिला के साथ शादी किया था। दोस्तों, बड़ू चंदीदास के बारे में एक दिलचस्प वाक्या यह है कि ये गीत संगीत के बहुत ही शौकीन थे और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे अपने उस ज़माने में। इनका जन्म स्थान का जन्म कब हुआ था, 1300 से 1400 ईस्वी में। तो इस मध्यकाल में ये बहुत ही पूरा ये बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और संगीतकार थे, जिससे मोहित होकर बहुत सारी महिलाएं इनसे मोहित हो गई थी। तो इन्होंने एक धोबी महिला के साथ शादी किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बांकुड़ा में हुआ था, और इन्होंने एक धोबी महिला के साथ शादी की। तो ये सब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इस तरह का सवाल पूछा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम में। अगले जो प्रमुख रचनाकार या कवि हैं कुरमाली के, वो हैं बरजूराम तांती। तो बरजूराम तांती का जन्म कब हुआ था, 1970 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, सारजम हातू नामक गांव बहुत से हैं, लेकिन ये बंगाल में एक बागमुंडी जिला में सारजम हातू हैं, वहाँ इनका जन्म स्थान है। तो हर कवि का जन्म स्थान याद रखना जरूरी है, और तो ये याद रखिएगा, बरजूराम तांती का जन्म सारजम हातू गांव बागमुंडी जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनके जो लेखन और इनकी रचना की क्या विशेषता है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इनके द्वारा रचित रचनाओं में जीवन में घटने वाली घटनाओं का जिक्र मिलता है। तो बरजूराम तांती जो थे वो एक रियलिस्टिक किस्म के कवि थे, और वे अपने जो जीवन में जो घटनाएं घटती थी, मनुष्य जीवन में जो भी घटनाएं घटती थी उनसे संबंधित ये रचनाएं रचते थे। तो ये बरजूराम तांती की विशेषता थी। इनके द्वारा रचित गीत कौन कौन से पुस्तक में छपे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो इनके द्वारा रचित गीत चालाक लेहा नमस्कार, कुरमाली फूल फर आर भावर, कुरमाली कवि आर काव्य नामक पुस्तकों में छपा हुआ है। तो ये जितने भी पुस्तक हैं ये कुरमाली के प्रसिद्ध पुस्तक हैं, चालाक लेहा नमस्कार, कुरमाली फूल फर आर भावर, कुरमाली कवि आर काव्य नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं रची हुई है। और इन पुस्तकों में और जितने भी आदिकालीन कवि थे हुए थे कुरमाली के, उनके भी रचनाएं इन सारे पुस्तकों में मिलेंगी। अगले कवि का नाम है विनंद सिंह, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित गीत आज भी
कुरमाली बोलने वाले की जुबान हर जुबान में मौजूद हैं। और इनके बारे में जानते हैं, विनंत सिंह के बारे में। मध्यकालीन हिंदी कवि सूरदास के समर्थक थे ये, जो मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध कवि हुए थे सूरदास। ये उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं का अनुसरण करते थे विनंत सिंह, और उनसे काफ़ी प्रभावित थे। विनंत सिंह कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। तो ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो विनंत सिंह हैं उनके काव्य में किस तरह की धारा देखने को मिलती है। तो विनंत सिंह ज़्यादातर उनके द्वारा रचित गीत कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इनका जन्म कब हुआ था, विनंत सिंह का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ, तो सिल्ली जो रांची ज़िले में स्थित है, उसी सिल्ली में इनका जन्म स्थान हुआ था। और ये राजघराने से बिलोंग करते थे। सिल्ली का राजा पृथ्वीनाथ सिंह के पुत्र थे। विनंत सिंह कौन थे, सिल्ली के राजा पृथ्वीनाथ सिंह के पुत्र। तो ये पिता का भी नाम याद रख लीजिए, सिल्ली के राजा पृथ्वीनाथ सिंह इनके पिता थे। और इनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, कवि विनंत सिंह की रचनाओं की विशेषता क्या है। इनके गीतों में राधा का श्रृंगार, कृष्ण का सिंगार और हंसी ठिठोली देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो कवि विनंत सिंह हैं इनके द्वारा रचित ज़्यादातर गीतों में कृष्ण भक्ति देखने को मिलती है, तो इसलिए इन्होंने अधिकतर गीतों में राधा का श्रृंगार के बारे में चर्चा किया है, कृष्ण भगवान के श्रृंगार तथा उसकी चंचलता और वे जो हंसी ठिठोली करते थे उनके बारे में दिखाने की कोशिश की है। इनके द्वारा प्रमुख जो गीत हैं वह कौन कौन से हैं, एक है गौचारण, एक कपास बुनल धपा धपा दागा आदि। तो ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध गीत हुए हैं विनंत सिंह द्वारा रचित। अगले कवि का नाम है दीनानाथ तांती। तो दीनानाथ तांती क्या थे, एक बुनकर परिवार से बिलोंग करते थे, जो तांती जाति होती है वो बुनकर होते हैं। तो दीनानाथ तांती एक गीतकार, बुनकर और समाज सुधारक थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 1840 ईस्वी में। दीनानाथ तांती का जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन से गांव में जन्मे थे, तो इनका जन्म स्थान है सिरूम गाँव, जो निमडी प्रखंड में है और सिंहभूम जिले में आता है, जो झारखंड में है। तो इनका गांव का नाम याद रखना है, कवि दीनानाथ तांती का गांव सिरूम। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दीनानाथ तांती का जन्म सिरूम गांव निमडी प्रखंड। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गीतों से झालदा के राजा बहुत प्रभावित थे। बंगाल में एक जगह झालदा, वहाँ के जो राजा हैं इनके गीतों से बहुत प्रभावित थे। ये मातृभाषा कुरमाली के अलावा पंचपरगनिया और मुंडारी के भी ज्ञाता थे। जो दीनानाथ तांती कवि थे वे कुरमाली के अलावा वे मुंडारी भी बोलना जानते थे और पंचपरगनिया के भी ज्ञाता थे। और इनके रचनाओं की क्या विशेषता है, दीनानाथ तांती के इनके द्वारा रचित गीत भक्ति धारा के होते थे। दोस्तों, दीनानाथ तांती भी एक भक्ति धारा के कवि थे। और ये भी अपने इनके रचनाओं में देखने को मिला है कि ये भक्ति किस्म के ये गीत रचते थे। इनके प्रमुख रचित गीत, इनके जो प्रमुख रचित गीत हैं वो कौन कौन से हैं याद रख लीजिएगा इनको भी, बासर सहिजा, पुतला वध, रासपाला, बाल कीड़ा, जल संवाद, दधि संवाद, टूप वर्णन, बासीपाला आदि। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने चार कवियों के जीवनी के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। और जितने भी पॉइंट चुने गए हैं यही सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और ख़ास करके इन कवियों का जन्म स्थान के बारे में आप ज़रूर याद रखिए कि ये कौन से गाँव में पैदा हुए थे, तथा उनकी काव्य की जो विशेषता है इनको भी याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्लास में हम सिर्फ चार कवियों के जीवनी के बारे में जानेंगे और
इसका पार्ट टू और पार्ट थर्ड भी बनेगा, जिसमें और हम चार चार करके कवियों के बारे में हम जानेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो होगा उसको भी आप जरूर देखिए, और इस तरह हम कुरमाली के जितने भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनके जीवन, उनकी जीवनी के बारे में हम अगले क्लासों में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।